वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ योर स्टूडेंट्स। क्लास 11 के लिए आज हम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें से बात करने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो हमारा चैप्टर है उसका ही टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। बच्चे अगर हम बात करें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इस चैप्टर में हम कुल मिला के 5 लॉज पढ़ने वाले हैं। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, और थर्ड हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड फोर्थ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड फिफ्थ वन दैट इज गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। मीन्स हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये 5 लॉज पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो आप 9th क्लास में भी पढ़कर आए हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन ये भी कुछ हद तक हमने पढ़ा है 9th क्लास में, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ये जो पहले 4 लॉज हैं ये मास रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड हैं कि कैसे मास की मास से रिलेशनशिप है, और ये जो लास्ट वाला है ये गैसेस की वॉल्यूम से रिलेटेड रिलेशनशिप है कि कैसे गैसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। लेट वी स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट लॉ दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? एवरीबडी नो दैट इज इन एनी फिजिकल और केमिकल रिएक्शन, किसी भी फिजिकल और केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स जब कंबाइन करते हैं और प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं तो ये लॉ क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मीन्स मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स होगा। ठीक है, तो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? इट स्टेट दैट इन एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। मीन्स इन एनी केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट कंबाइन करके जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो रिएक्टेंट का मास हमेशा प्रोडक्ट्स के मास के बराबर ही होगा। बहुत सिंपल से कितने भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल C+O2 गिव CO2। अगर मैं यहाँ पर काउंट करूँ यहाँ पर 12+32 और यहाँ पर अगर आप बात करें 12+32 मीन्स टोटल 44 ग्राम ये दोनों मिलकर कंबाइन करके तो 44 ग्राम ऑफ CO2 ही हमें ऑब्टेंड होगी। ठीक है, फिजिकल में अगर मैं कह दूं यहाँ पर वाटर है, वाटर इज़ कन्वर्टेड इनटू आइस। तो अगर आप वाटर का वेट देख लें और उसको आइस में कन्वर्ट होने के बाद उसका वेट देख लें तो वो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। मीन्स देर विल बी नो लॉस ऑफ मास व्हेन वाटर कन्वर्ट इनटू आइस। ठीक है, या आइस कन्वर्ट इनटू वाटर, मास क्या रहेगा? सेम रहेगा। यू कैन टेक एनी एग्जांपल ऑफ दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। किसी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे हमने कहा कि मान लिया Na2SO4 कंबाइंस विद BaCl2, इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ BaSO4+2NaCl। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो सोडियम इधर हैं, दो ही सोडियम इधर हैं, दो क्लोरीन इधर हैं, दो ही क्लोरीन इधर हैं, एक बैरियम, एक सल्फर, एक 4 ऑक्सीजन। मीन्स जब प्रेसिपिटेट भी बनते हैं हमें मालूम है, हालांकि इसके वाइट कलर के क्या बनेंगे, PPT की फॉर्मेशन होगी, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट जितने एटम्स यहाँ हैं उतने ही एटम्स यहाँ पर हैं, जितने एलिमेंट्स यहाँ हैं इतने ही एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, जितना मास इधर है उतना ही मास इधर है। मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में या फिजिकल रिएक्शन के अंदर देर विल बी नो लॉस ऑफ मास ऑफ एनी टाइप। मीन्स किसी भी तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट्स के बराबर होगा।
मास कभी भी नष्ट नहीं होगा ना ही क्रिएट हो सकता है. तो दैट इज़ द वेरी सिंपल. ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली ये सब चीज़ें देखी गई. इनका जो वेट था रिएक्शन होने के बाद भी वही था, इनका जो मास था रिएक्शन होने के बाद भी वही था. और इसीलिए हम पढ़ते हैं कि दैट्स वाई वी बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन. अगर मैं इसको यहाँ पर NaCl लिख देती तो ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती. बट समटाइम्स ये देखा गया इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शन के केस में ये पाया गया कि मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज लिटिल बिट लेस देन द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स. मीन्स जब न्यूक्लियर रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को देखा गया तो न्यूक्लियर रिएक्शन के प्रोडक्ट्स का मास थोड़ा सा कम होता था. किसके मास से? रिएक्टेंट के मास से. तो उस कंडीशन में आइंस्टीन आए और उन्होंने अपनी एक इक्वेशन दी विच इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर मीन्स जहाँ पर ई एनर्जी, एम मास और सी क्या है? स्पीड या वेलोसिटी ऑफ लाइट है. उन्होंने ये कहा कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर, देखिए बच्चे जब हम नॉर्मल रिएक्शंस करते हैं तो वहाँ पर रिएक्टेंट का जो मास है वो एनर्जी में चेंज तो होता है लेकिन इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता. लेकिन जब आप न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस में ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. मीन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन न्यूक्लियर रिएक्शंस. एंड अंडर दीज कंडीशंस जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का मास की कंपैरिजन की गई, ये पाया गया कि प्रोडक्ट्स का मास कम होता था. तो इसी लॉ को फर्दर मॉडिफाई कर दिया इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन. क्या? दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी. मास एंड एनर्जी मीन्स अब हम इस लॉ को क्या बोलते हैं? इन अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ मास एंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ मास एंड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स. मीन्स मास एंड एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड, ये भी बोल सकते हैं. और मास एंड एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड इन एनी केमिकल रिएक्शन, इन एनी केमिकल रिएक्शन. और मोस्ट प्रोबेबली हमने कहा क्या? न्यूक्लियर रिएक्शंस जिनमें न्यूक्लियस पर जब बम्बार्डमेंट होती है या न्यूक्लियस जब टूटता है स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर, तो वहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है. दैट इज़ वाई इस लॉ को मॉडिफाई करके अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, मतलब एनर्जी जो है वो मास एंड वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोडक्ट के बराबर होती है. तो उन्होंने कहा कि जो एनर्जी रिलीज होती है वो कहाँ से आती है? एक्चुअली में कुछ ऑफ द रिएक्टेंट का जो मास होता है वो एनर्जी में चेंज हो जाता है. इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो एनर्जी बनी है उसको और मास को अगर हम जोड़ देंगे तो वो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट का मास क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा. तो दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन. अदरवाइज सिंपल रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. हमने 9th-10th क्लास में इसके बारे में काफ़ी कुछ रीड किया हुआ है. ठीक है बच्चे, लेट वी मूव ऑन द नेक्स्ट लॉ विच इज द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन बाय मास. लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट कंपोजिशन बाय मास. देखिए बच्चे, ये लॉ क्या कहता है कि किसी भी प्योर केमिकल सब्सटेंस के अंदर, इन एनी प्योर केमिकल सब्सटेंस, जितने भी एलिमेंट्स उस सब्सटेंस को मिलकर बनाते हैं, ठीक है ना, वो क्या होंगे? पहली बात तो सेम होंगे, ठीक है. और दूसरी बात, जब भी वो कंबाइन करेंगे उनकी रेशियो हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट होगी. एक एग्जांपल से शुरू करते हैं. फॉर एग्जांपल वी विल टॉक अबाउट वाटर, दैट इज H2O. ठीक है, अगर हम देखें, हमें मालूम है वाटर कैसे बना हुआ है. दैट इज वन ऑक्सीजन कंबाइंड विद टू हाइड्रोजन. ठीक है, ये मैंने लोन पेयर्स लगाए, नहीं भी लगाते चलो. दिस इज वाटर मॉलिक्यूल. अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जो ऑक्सीजन है उसका मास होता है 16 ग्राम, हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, इस हाइड्रोजन का भी मास कितना होता है? 1 ग्राम. पहली बात, वाटर प्योर सब्सटेंस H2O है ना, तो वाटर में हमेशा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइन होंगे. पहली बात,
तो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन में बच्चे हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं 16 ग्राम 1 ग्राम और 1 ग्राम मीन्स 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है. मीन्स पहली बात तो वाटर की अगर मैं बात करूँ बेटा, वाटर चाहे आप किसी भी सोर्स से ऑब्टेन किया हो, चाहे वो टैप का वाटर हो, चाहे वो किसी आपने सी वाटर लिया हुआ हो, चाहे इंडिया का वाटर है, चाहे ऑस्ट्रेलिया का वाटर है, पानी कहीं का भी हो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा, इट ऑलवेज रिमेन H2O इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑलवेज कंबाइन इन 2:16 या 1:8 मीन्स दे ऑलवेज कंबाइन इन दिस डेफिनेट कंपोजिशन. ठीक है ना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा क्या करेंगे, दे ऑलवेज कंबाइन इन 1:8. ठीक है, लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल वी विल टॉक अबाउट CO2. यहाँ पर अगर हम बात करें कार्बन जो है वो किसके साथ, 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ये कंपाउंड बनाता है. तो मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की. तो एक कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है. तो पहली बात तो हमने कहा कि लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन क्या कहता है कि किसी भी प्योर कंपाउंड में जैसे कि CO2 जैसे कि वाटर हमेशा सेम टाइप के एलिमेंट कंबाइन होते हैं, मीन्स कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे हमेशा CO2 के केस में. और सेकंड बात क्या कहते हैं कि दे ऑलवेज कंबाइन इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, हमेशा उनके जो प्रोपोर्शन होगी बाय मास वो हमेशा सेम होगी, कांस्टेंट होगी. जैसे मैं बात करूँ कार्बन का मास होता है कितना, दैट इज 12 ग्राम, और अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ एक ऑक्सीजन का होता है 16, 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर कितना हो गया 32. तो अगर मैं इनको देखूँ ये हमेशा चौक बारह, ये कैलकुलेशन ओके कट मैंने गलत कर दिया, 4 × 3 = 12, 4 × 8 = 32 मीन्स 3:8 में कंबाइन करेंगे. मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से ऑब्टेन करी हो, फॉर एग्जांपल इफ वी ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड बाय कंबशन ऑफ कार्बन दैट इज CO2, इट मे बी ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3 मीन्स CaO+CO2, इट मे बी ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट दैट इज ऑल्सो गिव Na2CO3+H2O+CO2 मीन्स सोर्स कुछ भी हो, चाहे वो यहाँ से ऑब्टेन हुई, चाहे यहाँ से ऑब्टेन हुई, ऑलवेज जो रेशियो होगी कार्बन और ऑक्सीजन की दैट इज इक्वल टू 3:8 मीन्स किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर, किसी भी प्योर सब्सटेंस के अंदर जो भी एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं दे ऑलवेज कंबाइन इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास. तो लिखते हैं क्या है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, क्या कहते हैं, इन एनी प्योर, ठीक है ना, केमिकल कंपाउंड सब्सटेंस, ठीक है ये लिख लेते हैं, अ प्योर केमिकल कंपाउंड और सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स विच कंबाइंस विद विच ऑलवेज कंबाइंस इन अ फिक्स्ड और डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास. मीन्स किसी भी केमिकल कंपाउंड में जिस भी एलिमेंट से मिलकर वो बना होगा, पहली बात तो वो हमेशा सेम होंगे, दूसरी बात उनकी प्रोपोर्शन क्या होगी, हमेशा सेम होगी, कांस्टेंट होगी, फिक्स होगी. फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे बात कर लूँ, मैंने कहा H2O और एक चीज़ हम देखते हैं H2O2, ठीक है ना, H2O एंड H2O2. देखिए बच्चे अगर मैं बात करूँ ये किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, ये भी किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से. मीन्स हमने कहा कि अगर कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड होगा, सब्सटेंस होगा, वो सेम टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना होगा. अब ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स, ये वाटर है और ये हाइड्रोजन परोक्साइड है. क्यों, क्योंकि आगे की डेफिनेशन क्या कहती है कि इनमें जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा बाय मास फिक्स रेशियो में कंबाइन करेंगे. अगर आप इसकी रेशियो निकालेंगे तो 1:8 अभी हमने निकाला था, लेकिन अगर आप यहाँ पर निकालेंगे रेशियो, देखिए 2 हाइड्रोजन दे कंबाइंस विद 32 ग्राम तो 1:16
है ना, ये किस में कंबाइन करेंगे, 1:16, जबकि ये किस में कंबाइन कर रहे हैं, 1:8, मीन्स H2O2 में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:16 में कंबाइन करेंगे एंड वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 1:8 में ही कंबाइन करेंगे, नॉट इन एनी अदर प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इस लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट और डेफिनेट कंपोजिशन बाय मास। तो पानी कहीं से भी लिया हुआ हो, कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स कुछ भी हो, किसी भी कंपाउंड का प्योर अगर वो है, उसका सोर्स चाहे कुछ भी हो, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना। ऐसे मत बोल देना कि वाटर जो है उसका फॉर्मूला चेंज हो जाए। जैसे मैं, मुझे एक छोटा सा जोक याद आ गया, एक बच्चे को टीचर ने बोला कि आप ये बताइए कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो बच्चे ने लिखा H2O Cl2 Br2 HNO3 सो एंड सो बहुत कुछ। तो टीचर बोले ये क्या बदतमीजी है, ये क्या लिख दिया इतना बड़ा फॉर्मूला। तो उस बच्चे ने जवाब दिया, सर ये हमारे पोंड के पानी का फॉर्मूला है। तो मीन्स चाहे पानी इवन पोंड से ही क्यों ना लिया हो, चाहे वो कैसा ही क्यों ना हो, उसके अंदर इम्प्योरिटीज भी क्यों ना डिजोल्व हो, लेकिन पानी का फॉर्मूला तो हमेशा वाटर रिमेन्स H2O इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस इन 1:8, ठीक है। चलिए, लेकिन इस फॉर्मूले के भी कुछ लिमिटेशंस थी, ठीक है, क्या थी, दिस हैव सम लिमिटेशन। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, ठीक है, जो अभी हमने बात करी। तो बच्चे अगर मैं बात करूं आइसोटोप्स की, आइसोटोप्स, ठीक है, सब आइसोटोप्स की अगर हम बात करें, आइसोटोप क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट उनका मास नंबर क्या हो, डिफर हो, दैट इज कॉल्ड आइसोटोप। फॉर एग्जांपल, इफ यू टॉक अबाउट कार्बन 16, 12, कार्बन 66 और 14, ये आइसोटोप्स हैं, है ना। हाइड्रोजन की हम बात करें, H11, H12, H13, ये आपस में क्या है, आइसोटोप्स हैं। क्लोरीन की बात कर दीजिए, 1735 क्लोरीन, 1737, ये क्या है, आइसोटोप्स। मीन्स आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, लेकिन उनका मास नंबर क्या हो, अलग अलग हो, उनको हम आइसोटोप्स बोलते हैं, ठीक है। अब लिमिटेशन क्या हुई कि, चलिए अगर मैं बात करूँ कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, CO2, अगर CO2 में कार्बन का 12 वाला आइसोटोप हुआ तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा कितना होगा, दैट इज 12:1, कितना, अभी बात कर रही थी कितना, 32, 3:8 इसमें कंबाइन किए, है ना, 3:8 इसमें कंबाइन किए। लेकिन अगर ये आइसोटोप हुआ ये वाला 14 वाला, 14:1 कितना, 32, तो जो इनकी रेशियो है वो चेंज हो जाएगी, वो 12:32 थी, ये 14:32 हो गई। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, मीन्स 17:16 की रेशियो में ये कंबाइन करा, मतलब इनकी देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, CO2 CO2, लेकिन जब आइसोटोप्स की बात आती है तो उस टाइम पे लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन फेल हो जाता है, ठीक है ना। पहली लिमिटेशन क्या हुई, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन फेल्स इन केस ऑफ दोज एलिमेंट्स विच हैव डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म, या ऐसे एलिमेंट जिनके आइसोटोप्स होते हैं वहाँ पर ये वाला फॉर्मूला फेल हो जाता है, वर्क नहीं करता है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन। एंड इफ यू विल टॉक अबाउट द सेकेंड लिमिटेशन, चलिए मैं पहले आपको एक एग्जाम्पल लिखती हूँ। मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 OH, पहचान गए होंगे आप इसको कौन है, ये 1 2 3 3 है, तो इथ प्रोप एन ओल, है ना, 10th क्लास में हमने पढ़ा है। और फिर मैंने लिख दिया CH3 CH2 O CH3, ये लिख दिया। आप देख पा रहे होंगे ये अल्कोहल है और ये क्या है, दैट इज ईथर्स है, ये क्या है, ईथर्स, ROR, है ना, ग्रुप वाले। तो यहाँ पर अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूँ, देखिए क्या है, C3H3 4 5 6 7 8 और O, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए, 1 2 3 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 6 7 8 और 1 ऑक्सीजन। मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि टू कंपाउंड्स में एलिमेंट्स कंबाइन तो सेम रेशियो में कर रहे हों। फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम करें 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, मीन्स
एक का 12 होता है, वरन 24 बांटती है 36, 36। अगर हम इसकी बात करें 8 और इसकी बात करें 16, ठीक है। और अगर यहाँ पर भी बात करें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 36, 8 एंड 16, रेशियो तो सेम है दोनों की, सभी क्या कर रहे हैं, दे आर कंबाइन इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन, सेम रेशियो, बट दीज टू आर डिफरेंट कंपाउंड। मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे दो कंपाउंड्स जिनमें मॉलिकुलर फॉर्मूला तो क्या हो, सेम हो, दे हैव सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, बट these two are different compounds. For example, alcohol and ethers are different compounds, but instead of that, they combine in a definite proportion by mass. ठीक है ना, ऐसा बहुत सारों के साथ हो सकता है, जैसे aldehydes में भी यही होता है. Means basically अगर मैं बात करूँ, ये जो law of definite composition है ये hydrocarbons पे fail हो जाता है, काफ़ी सारे hydrocarbon पे. जैसे अगर मैं बात करूँ CH3, CH2, CHO, एल्डिहाइड है पहचान लिया होगा आपने, और मैं इसको लिख दूं CH3 C डबल बोन O CH3, ये कीटोन है, R C डबल बोन O R, इसका फॉर्मूला देखिए C3H3456O, इसका फॉर्मूला देखिए C3H6O, मीन्स मॉलिकुलर फॉर्मूला तो दोनों का क्या है, सेम है, सेम कंपोजिशन में कंबाइन कर रहे हैं, वही 36 और जितना भी ऑक्सीजन का आएगा, मतलब कंप्लीट करके रेशियो भी सेम है, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट दीज टू आर डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मोस्ट प्रोबेबली लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन फेल्स इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जहाँ पे ये क्या करते हैं, दो डिफरेंट तरीके, एक्चुअली में ये भी आइसोटोप्स ही हैं, अगर मैं सही बात बताऊँ तो, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स इनको बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ये और ये अल्कोहल और ईथर्स भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। तो आइसोमर्स के केस में और आइसोटोप के केस में लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड लॉ, बस इतना ध्यान रखना है किसी भी कंपाउंड में सभी के सभी जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास में कंबाइन कर